हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ मूली के पत्तों की भाजी और मूली की कड़ी। आपने पकोड़े वाली कड़ी तो बहुत बार बनाई होगी, एक बार मूली की कड़ी बना के देखिए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे मूली के पत्ते की भाजी। तो मैंने पत्तों को साफ करके उन्हें बारीक काट लिया है। अभी यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तो तेल गरम हो गया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, जीरे को थोड़ा चटकने देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, हल्का सा लहसुन को भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें दो सूखी लाल मिर्च, साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो थोड़ा सा ही मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है, क्योंकि भाजी मैं बहुत कम बना रही हूँ। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो प्याज के साथ ही मैंने इसे भी डाल दिया है, थोड़ा सा ये भी फ्राई हो जाएगा। और जो प्याज है वो भी हमारी अच्छे से भून के तैयार है। तो अभी इसमें डाल देंगे हम मूली के पत्ते, थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी, इसमें ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच के बराबर मैंने इसमें धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, तो मिर्च अपने हिसाब से रख सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है मूली के पत्तों की सब्जी इस तरीके से। तो अभी इसे मैं ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। तो मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है। अभी बना लेंगे हम मूली की कड़ी। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक मूली ले ली है, इसे अच्छे से साफ कर लिया है। अभी क्या करेंगे, इसे हम टुकड़ों में काट लेंगे। तो आप चाहो तो इसे ना सिलबट्टे में भी कूट सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसके टुकड़े बनाए हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो छोटे बड़े टुकड़े अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तो तेल गरम है। यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा और राई, तो ये डाल देंगे जैसे ये चटकने लगे थोड़ा सा। अभी डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा इसे भून लेंगे। देखिए लहसुन भी गोल्डन हो गया है। अभी डाल दूंगी मैं इसमें प्याज, तो मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज भी भून गई है। यहाँ पे मैं कुछ मसाले डालूंगी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हल्का सा मसालों को भून लेंगे। आप चाहो तो जो कड़ी के लिए आप बैटर बनाओगे उसमें भी डाल सकते हैं मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, मूली डाल दी है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी, तो 2 गिलास के बराबर मैं पानी यहाँ पे डाल रही हूँ। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भाजी को देख लेते हैं, ये भी देखिए अच्छे से बन गया है। ये देखिए आलू भी पका हुआ है, तो ये भाजी बनके तैयार है। तो अभी बना लेते हैं ये कड़ी का घोल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही ले लिया है और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन। तो बेसन तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आपको कड़ी को गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से। तो मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। अभी इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। ये देखिए ये बैटर तैयार है। तो अभी इसे भी चेक कर लेते हैं। मूली भी अभी पक गई है, तो यहाँ पे डाल देंगे बैटर जो हमने बना के रखा हुआ था बेसन वाला, और इसे चलाते हुए थोड़ी देर हम पका लेंगे।
जब इसमें उबाल आने लगे तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। देखिए उबाल भी आ गया है इसमें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मिक्स कर देंगे और कढ़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पकते पकते कितना कम हो गया है अभी, और ये गाढ़ी भी हो गई है। तो इसी तरह का हमको चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। तो अभी इसमें एक तड़का लगाएंगे, उसके लिए मैंने तड़का पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया 1 चम्मच घी। घी गर्म हो जाएगा तो लहसुन डाल देंगे, हल्का सा हम लहसुन को भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक डाला है, एक लाल मिर्ची डाल दी है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। हींग डाल के थोड़ा सा इसे चला लेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता डालने से कड़ी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे भी हम भून लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर के लिए डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो तड़के को डाल देंगे कड़ी में, मिक्स कर लेंगे इसको, और ऊपर से डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।